चलो एवरीवन दोस्तों, और आज दो तीन टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज हम यहाँ जो बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उसमें है हमारा सिग्नेचर को लेकर के, लॉगिन जो है आपका OAS के लॉगिन के जो है उसको लेकर के, और इसके अलावा जो है और कोई टेक्निकल चीजें हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए या नहीं समझना चाहिए, ये जरूरी है या नहीं है, मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में कुछ टेक्निकल चीजें हैं इसको जाने या ना जाने, ये चीजें आज के आज में शेयर करना चाहूंगा। तो इसमें जो है सबसे पहले हम बात करते हैं वो है सिग्नेचर को लेकर के। देखिए अभी जो है OAS में काफी ज्यादा एक्टिविटी और होने वाली है, और अभी जो है काफी चीजें सब कुछ स्मूथ चल रहा है। और अभी अगर हम बात करते हैं सिग्नेचर्स को लेकर के, तो सिग्नेचर में क्या है कि अभी ofounders.net में हमने सिग्नेचर किए हैं, जहां पर जो डिस्क्लेमर या NDA बोल सकते हैं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किया है। उसके बाद में OAS में भी जो अलग जाकर के हम साइन करते हैं, और कई बार जो प्रोडक्ट जब हमारे आए थे, हर प्रोडक्ट में आपको जब एंट्री करनी होगी शुरुआत में, तो आपने सिग्नेचर किए होंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन था कई लोगों का, अभी फोन कॉल्स भी इसके रिगार्डिंग आया, लोगों ने व्हाट्सएप भी किए कि सर इसमें क्या है, सिग्नेचर थोड़ा हमारा मिसमैच हो गया, जैसा ofounders में हमारा सिग्नेचर थोड़ा अलग था और हमारा OAS में अलग हो गया, फलाने प्रोडक्ट में जब मैंने NDA को सिग्नेचर किया उस टाइम जो है अलग थोड़ा सा सिग्नेचर हो गया, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसको लेकर कोई खास ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, और ये सिग्नेचर थोड़ा आगे पीछे होता है, तो उसके लिए आप जो है बिल्कुल डोंट वेरी, बेफिक्र रहिए, क्योंकि यहां पर जब चीजें आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेगा हमारा OKYC आएगा, इसमें सारी चीजें सही हो जाएंगी। और इसमें एक चीज और है कि कहीं जैसे हैं, जैसे अंडर 18 है जो हमारे जो बच्चे होते हैं, कई लोग जो सिग्नेचर कर रहे होते हैं, तो अब वो सिग्नेचर तो नहीं करेंगे भाई, तो उसके जो उसके गार्जियंस हैं, उसके पेरेंट्स हैं, वही वहां पर जो है सिग्नेचर करते हैं, राइट। तो कई बार क्या हुआ है कि किसी ने क्या किया है, जैसे ofounders में जो है मान के चलिए कोई अंडर 18 बच्चा, उसकी साइन जो है उसके फादर ने ही कर दी है, या फिर उसका खाली नाम लिख दिया, लेकिन जब OAS में गए हैं तो OAS में जो है उनका सिग्नेचर उनके पेरेंट्स ने सिग्नेचर कर दिया, मतलब पेरेंट्स ने OAS में सिग्नेचर कर दिया, लेकिन नाम जो है ofounders में जो है वो बच्चे के नाम से ही है। तो ये भी एक कुछ सुनने को मिला, एक दो जगह कई लोगों के कॉल आए जब उन्होंने बताया। तो देखिए इसमें भी आपको जो है आपको बिल्कुल बेफिक्र रहना है। होगा क्या कि जब अगेन वही बात, जब हमारा मेन जो है यहां पर इंपॉर्टेंट है वो वेरीफाई में के थ्रू जब हमारा वेरिफिकेशन होंगे यहां पर, तो उस वेरिफिकेशन के दौरान जो है एज पर्सन जिसके नाम से वो जिसने जो नहीं आपने आईडी ले रखी है उसका वहां पर जो है वेरिफिकेशन हो जाएगा, राइट। उसका एज वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, किसी का भी हो, चाहे बड़ा हो छोटा हो जो भी हो, उस सभी का जो है पे वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो उसमें अगर आपका सिग्नेचर ofounders में थोड़ा अलग था, या फिर कुछ पूरा ही अलग था और OAS में अलग था, तो ये चीजों को छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारा वेरिफिकेशन के थ्रू जो है ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो सिग्नेचर को लेकर के आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो अभी कई लोग जैसे वीडियो देख रहे, आपने सब ये चीजें चेक कर लो, ऐसा कर लो, वो कर लो, ठीक है, सब कुछ जो है चेक कर लीजिए ईमेल वगैरह, और थोड़ा बहुत अगर हो जाता है तो उसको सपोर्ट वगैरह में टिकट लगाने की जरूरत नहीं है। वो वेरीफाई आने के बाद में ये सारी चीजें प्रोसेस जो है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगी। तो आराम से टेंशन फ्री होकर, हर बार मैं बोलता हूं टेंशन फ्री होकर के सारी चीजें आप जो है देखते रहिए, आगे क्या क्या प्रोसेस होती है हमारी, जो भी अपडेट आएंगी उसमें सारी चीजें क्लियर होंगी। उसके बाद में हम बात करते हैं लॉग इन के इश्यूज को लेकर के। देखिए अभी होता क्या है, फिर से अगेन बोलूंगा, और इसको बार बार कहा गया कि हमारी जितनी भी चीजें होती हैं वो डायरेक्ट आपके लाइव वेबसाइट में होता है, राइट। तो अभी OAS में बहुत सारी चीजें भी काफी दिनों से इंटर नहीं हुई हैं, मतलब उसमें अभी कुछ नई चीजें जुड़ी नहीं है, लेकिन अभी आने वाले इन्हीं कुछ वीक में, अभी आने वाले कुछ दिनों में, इस वीक में और बहुत चीजें होंगी OAS में, बहुत सारी चीजें होने वाली है, जैसे उसमें हलचल होंगी, हमारा एप्लीकेशन का आना और ओ वेरीफाई आना, और कई चीजें उसके अंदर होनी है, $97 भी इन होने वाले हैं। तो यहां पर जो मिसबिहेव कई बार आपकी वेबसाइट करने वाली है, चाहे वो OAS की हो या और भी हमारी जो ऑन पैसिव की वेबसाइट वगैरह में, तो OAS की वेबसाइट पे थोड़ा जब आपको लॉगिन के इश्यूज आए, अभी हालांकि कोई भी लॉगिन का इश्यू नहीं आ रहा है, लेकिन अभी कुछ दिनों में हो सकते हैं लॉगिन के इश्यू आए, आप कई बार जो है पासवर्ड भी सही डाल रहे हैं लेकिन वहां पे नहीं ओपन हो रहा है, कई एरर का मैसेज आ रहा है, या कुछ भी आपको मैसेज आएंगे तो आप फिर बार बार परेशान हो जाते हैं, मेरा लॉगिन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो हो रहा है, आप कॉल करने शुरू कर देते हैं या क्वेश्चन करने शुरू कर देते हैं, सपोर्ट में टिकट लगाने शुरू कर देते हैं, तो बिल्कुल भी उसके लिए बेफिक्र रहिए। देखिए लाइव वेबसाइट में सारी चीजें होंगी, क्योंकि हमारा जैसे जैसे आप देखेंगे OAS में कई प्रोडक्ट ऐड होंगे, तो ये थोड़ा थोड़ा इशू कभी कभी आएगा, हमेशा नहीं, कभी कभी आता रहेगा और आगे भी आता रहेगा, तो उसके लिए आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। इसीलिए मैंने अभी से चीज आपको क्लियर कर दिया कि लॉगिन इश्यूज आते हैं, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और
इसके बाद में एक चीज और आती है कि भाई हमारे टेक्निकल चीजें के ऊपर बिल्कुल जो हमारे टेक्निकल चीजें होती है उस पर ज्यादा आप ध्यान मत दीजिएगा। देखिए टेक्निकल चीजें जो होती है वो अपने हिसाब से जो है अपना काम कर रही होती हैं, तो टेक्निकल चीजों में कई बार क्या होता है जैसे मोबाइल एप्लीकेशन को लेकर के और बहुत सारी चीजें हमारे बैक एंड पे आने वाली है, मतलब हमारे सिस्टम में जो है OS में आने वाली है, तो लोग अभी से कहीं परेशान है यार। मोबाइल जस्ट सिंपल, आप व्हाट्सअप चलाना सीख गए थे, आपने पहले ओनेट कई लोग नहीं चला पाते थे, अब काफी लोग जो है ओनेट को भी बढ़िया एकदम परफेक्ट चला पा रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि सीख गए, आप जैसे ही एंट्री करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली सब चीजें जो सीखने लग जाएंगे। तो कई बार हम बड़े बड़े टेक्निकल सेशन अटेंड कर लेते हैं और उसमें माइंड चलाते हैं कि यार ऐसा वैसा और ये इस टाइप से काम करेगा। देखिए वो सिस्टम तो हम बातचीत उस पर चर्चा नहीं भी करेंगे तो भी वो टेक्निकल जो चीजें वो अपने लेवल पर काम करेगी, जब तक आप प्रैक्टिकली उसको नहीं यूज करेंगे तब तक आप किसी भी काम को नहीं कर सकते। वैसे ही हमारे एप्लीकेशन वगैरह भी आती है, कुछ टेक्निकल चीजें आती है, तो आपके सामने जब वो लाइव आ जाएंगी, जब आप उसको जब ओपन करेंगे, जब उसको सब जब तक आप चलाना नहीं सीखेंगे तो आप नहीं चला पाएंगे, सिंपल सी बात है। तो अभी ज्यादा टेक्निकली हमको होने की जरूरत नहीं है, जब हमारे मोबाइल एप्लीकेशन आते हो किस कैसे आते हैं, डेस्कटॉप वर्जन आएंगे, इसमें हमारा जो सिस्टम आ जाएगा उसमें मोबाइल एप्लीकेशन आ जाएगी, मोबाइल में आप चला पाएंगे, तो उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जैसे आप ओपन करेंगे तो सारी चीजें आप स्मूथली चला पाएंगे, क्यों, जब तक आप चलाएंगे नहीं तो आप सीखेंगे कैसे। तो ये सब चीजें जो टेक्निकली है ये भी आपको आराम से होने वाली है, और अपना जो दिमाग है एक्स्ट्रा वो भी लगाने की जरूरत नहीं है कि भाई हमारे स्क्रीन के कितने लोग ट्रैफिक जनरेट होगा, जब हमारा इसमें $97 रहेगा इसमें कैसे लोग जुड़ने वाले हैं, और इसमें कैसे हमारा जो है सब्सक्रिप्शन के थ्रू कैसे लोग जुड़ेंगे, किसके नीचे कौन आएगा, ये सब छोड़ दीजिए। और ये जो सिस्टम ऑटोमेटिकली ऐसे जब काम करता जाएगा, सारी चीजें प्रॉपर वर्क करने लग जाएंगी, समय के साथ साथ आप सारी चीजें जो है सीखने वाले हैं। तो बस ये दो चार टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर हमेशा करता रहता हूं ताकि आपको एक थोड़ा बहुत नॉलेज मिलता रहे, कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश करता हूं। तो बाय बाय गाइस, आई लव यू ऑल।